अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं वीडियो जो है ना अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मुझे मतलब लास्ट वीडियो मैंने कब अपलोड किया था मुझे खुद याद नहीं है। वीडियोज़ मैंने बहुत सारे बना कर रखे हैं लेकिन मतलब थोड़े टाइम की प्रॉब्लम हो गई है और मेरी भी थोड़ी काहलियत ही कहेंगे इसे कि मतलब बने वीडियो को मैं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ और अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई काम आप रेगुलर करते हो ना तो चलता रहता है, फिर अगर बीच में कुछ दिनों का गैप आ जाए ना तो फिर से दोबारा स्टार्ट करने में मतलब ना बहुत ये होती है मतलब ऐसा लग रहा है मेरी आदत छूट गई है। जैसे मुझे शुरू शुरू में हेजिटेशन होता था ना, अभी बिल्कुल वही फील हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी रेगुलर अपलोड करने वाली हूँ। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो का वेट करते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं सच में बहुत दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। और अभी आपने देखा ना मेरे एक हाथ में लेकर जो प्लांट दिखा है ना, वो ना पता है कोरिएंडर का है। उसमें पता नहीं कहाँ से वाले मनी प्लांट वाले गमले में ना एक धनिया शायद वो गिरा होगा, सीड गिरा होगा, उसमें से ना धनिया ग्रो हो गया था। तो जब मैंने देखा ना तो वो इतना बड़ा हो चुका था, तो मैंने उसको नहीं निकाला, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अरे वो एक ही मतलब वो पौधा है ना इतना बड़ा हो गया है और उसमें छोटे छोटे धनिया भी निकल कर आए हैं, अभी हरे हरे हैं, मतलब 7-8 धनिया से निकले होंगे। तो मुझे देख कर उसको बहुत खुशी हो रही थी। और अभी टाइम पता है दोपहर का हो रहा है, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और बाबू और नारा है ना वो लोग अपनी नानी के साथ छत के ऊपर बैठे हुए हैं और हिना भी सब छत पे ही है। और अभी पता है हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना हम लोग घर चेंज करने वाले। एक मिनट मैंने फ़ोन को ट्राईपोड पे लगा लेती हूँ, मेरा ना ये दर्द होने लगता है हाथ में पकड़ कर बात करती हूँ तो। एक सेकेंड ना, इतने दिन के बाद मैं आज अपना ट्राईपोड निकाल रही हूँ तो मैं ट्राईपोड पे लगा लेती हूँ। मेरी स्किन थोड़ी ऑयली लग रही है ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने सीरम लगाया। जो सीरम है ना और थोड़ा सा ऑयली टाइप का है, मतलब ऑब्जर्व हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व हो जाएगा। हाँ तो मैं ये बता रही थी ना कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग घर चेंज करने वाले हैं। हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें शायद सितंबर या अक्टूबर में ही बोला था और उन्होंने हमें बोला था जनवरी तक वो लोग शिफ्ट करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास 3-4 महीने का टाइम था। तो हम लोगों ने मतलब उसी वक्त घर ढूंढना शुरू कर दिया और लकीली हमें बहुत अच्छा घर मिल भी गया। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह बाकी था, तो उन्होंने बोला था कि नवंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा, तो नवंबर में भी नहीं कम्प्लीट हुआ, दिसंबर में भी नहीं कंप्लीट हुआ, जनवरी में भी नहीं कंप्लीट किया और फरवरी अभी चल रहा है। तो क्या बोलते हैं ना, अब हमारे लैंडलॉर्ड जो है ना वो लोग शिफ्ट होने वाले हैं। वो लोग दो बार हम लोगों को बोल चुके हैं और अच्छा भी नहीं लग रहा ना खुद को, क्योंकि उन लोगों ने तो हमें बहुत पहले ही बता दिया था और हम लोगों ने भी ढूंढ लिया था और हमें मिल भी गया था। लेकिन उनका हर महीने में ही अगले महीने होता है, हर महीने अगले महीने टलता है और हम लोगों ने डिपॉजिट भी जमा करा दिया है। मतलब उस वक्त एकदम फिक्स था कि वो घर हमें मिल ही जाएगा। अभी 2-4 महीने बाद वो तो मतलब वो लोग रेंट के लिए पूरा अपार्टमेंट बना है, वो लोग को रेंट पे ही देना है तो मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें काम इतना स्लो चल रहा है ना कि जो मतलब जिनका वो फ्लैट है, जो लैंडलॉर्ड है, वो रहते हैं कहीं बाहर, इंडिया में नहीं रहते हैं, तो वो ठेका पर देकर शायद काम करा रहे हैं। और ऐसे काम तो आपको पता है ना, 2 दिन का काम को लोग 6 दिन में करते हैं। तो काम जो है ना बहुत धीरे चल रहा है, मतलब वो लापरवाही हो गई है। तो अभी ना वही हम लोग जा रहे देखने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं देखने के लिए कि अभी उसमें कितना काम बाकी है। और आज हम लोग फाइनल बात कर आएंगे कि अगर हमें मतलब इस महीने के लास्ट या मार्च के फर्स्ट तक घर मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और देखेंगे, क्योंकि खुद को अच्छा नहीं लग रहा ना। अब वो लोग को भी अपना मतलब घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना है और हम लोग के रहते हुए कंस्ट्रक्शन का अगर काम लग जाएगा तो आप लोगों को पता है मतलब कितना दिक्कत होता है, तोड़ फोड़ होगा, डिस्टर्ब होंगे। तो इस वजह से तभी मैं और ये जाएंगे थोड़ी देर बाद वही घर देखने के लिए कि कितना काम हुआ है, क्योंकि फोन पे तो हर महीने बोलते हैं, हर महीने लगा दूंगा, इस महीने शिफ्ट कर दूंगा। नवंबर से बोल रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4th महीना चल रहा है। तो अगर आज हम लोग इतना मतलब फाइनल कर लेंगे कि अगर हो जाता है तो ठीक है, इस महीने के लास्ट तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं, हमें मार्च में शिफ्ट करने देते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और ढूंढ लेंगे। क्योंकि अब हम लोग वेट नहीं कर सकते ना, 1 महीने की बात होती है तो ठीक होता है, आप हर महीने अगले महीने करते जा रहे हो, तो फिर
तो मतलब सही नहीं है ना। वैसे घर तो बहुत अच्छा था, तो अभी वहीं जाने वाले ना, तो मैं आप लोगों को घर भी दिखाऊंगी। घर कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आया था, मतलब पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गया था। उससे पहले हम लोगों ने कई घर देखा था लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया था, वो घर मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गया था। मैंने बोला था यही लेंगे, लेकिन अब देखते हैं किस्मत में होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अपना घर तो है नहीं, रेंट पे ही रहना है, तो वो ना सही कहीं और सही। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से वहीं पे मिलूंगी और आप लोगों को घर भी दिखाऊंगी और देखते हैं क्या होता है, मतलब इस महीने तक कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वरना हम लोग मतलब मना कर देंगे घर के लिए। पहले हम लोग कहीं और ढूंढ लेंगे, उसके बाद बोलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ भी हम लोग इनको बोल दें और कहीं हम लोगों को और नहीं पसंद आया तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो देखते हैं क्या होता है, होपफुली सब अच्छा ही हो और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेंगे। तो ये जी हम लोग आ गए घर के अंदर और यहाँ नीचे में बिल्कुल जो मतलब कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आप लोग देख सकते हो, फ्लोरिंग हो गया, प्लास्टर हो गया, मुझे कुछ भी कंप्लीट नहीं दिख रहा। ऊपर जाकर देखते हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है। नीचे देख के तो मेरा दिल जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, मतलब मुझे लगा था इतने दिनों में कंप्लीट हो गया होगा, अच्छा खासा सब कुछ हो गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा देखा था नीचे में वैसा ही है अभी तक, हम लोगों ने 4 महीने पहले ही देखा था ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ना अपना वाला घर जो पसंद किए थे वो अंकल जी दिखाने के लिए जा रहे हैं कि एक बार देख लो आप लोग, अंदर से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नीचे का देख के तो मेरा दिल जो है ना एकदम टूट चुका है, नीचे से बिल्कुल कंप्लीट नहीं। तो ये पहले हम लोग जैसे एंटर करते हैं ना, ये हॉल बना हुआ है और ये हॉल में विंडो लगी हुई है जो बाहर के साइड है, और इसके बाद ये एक और हॉल टाइप का ही है जिसमें सारे बेडरूम, वॉशरूम्स और किचन अटैच है, और ये किचन है और किचन भी मतलब बड़ा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारा जो घर का किचन है ना उससे तो बड़ा ही है। और ये एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप है जो किचन से ही अटैच है, बहुत छोटा सा है लेकिन फिर भी सही है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसे यहाँ पर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और क्या कहते हैं सही है, फिर भी छोटा सा है लेकिन ठीक है। और इसके बाद ना ये जो किचन में ये डोर है ना बालकनी की तरफ खुलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट था, मुझसे खुल ही नहीं रहा था। और दूसरा ये विंडो भी बालकनी से ये अटैच है, स्लाइड वाला विंडो है, मुझे स्लाइड वाला विंडो बताओ, सच बताओ तो मुझे पसंद नहीं है, मतलब आधा खुलेगा आधा नहीं खुलेगा, ऐसे विंडो का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी सही है। और ये एक दूसरा उधर जो अभी मैंने दिखाया ना, वो एक और बेडरूम था, उसमें कोई विंडो वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल मतलब कोने में है। और ये है वॉशरूम, तो वॉशरूम में भी बेसिन लगी हुई है, ये मुझे सही लगा। वैसे वो क्या बोलते हैं, वॉशरूम ठीक ठाक है, बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। और उसके बाद ये दूसरा बेडरूम है, और दूसरे बेडरूम में भी एक वॉशरूम अटैच है, इसे भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और इसमें भी बेसिन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, शावर बेसिन सब कुछ है, तो ये बेडरूम से अटैच है। और ये जो डोर है ना ये बालकनी में खुलता है, तो ये बेडरूम का डोर और किचन का डोर दोनों बालकनी से अटैच है, और बालकनी भी अच्छी खासी बड़ी है। और यहाँ सामने में एक बहुत बड़ा सा प्लॉट है जहाँ पे सब कचरा फेंकते हैं, हमारे ये वाले घर के सामने में भी एक प्लॉट है जहाँ पे कचरा फेंकते हैं, यहाँ भी कचरा भी फेंकते हैं, दूर है मतलब बीच में रोड है, अच्छा खासा चौड़ा रोड है, लेकिन बालकनी से वही एक साइड से यही सीनरी दिख रही है कचरे वाली, और एक साइड से बहुत प्यारा सा ग्रीनरी एकदम दिखाई देता है, मैं अभी वो भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। और वो जो सामने में एक बड़ा सा वो दिख रहा है ना बिल्डिंग टाइप का, वो एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, जस्ट हमारे घर के आगे में ही मेन रोड है, रिंग रोड है, तो उस पर वो हॉस्पिटल बन रहा है। और ये बालकनी के एक साइड से ना बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पे उन्होंने काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हैं, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ना ग्रीनरी और नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ना अजान भी एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, क्योंकि मस्जिद जो है ना बिल्कुल पास में ही है, ये वाला हमारा घर है जो हम लोगों ने पसंद किया है। अभी अजान आ रही है, और इसको देख के भी लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, इतने दिन तक मैं सोच रही थी कि सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन अब हालात देख के लग रहा है कि इसमें तो अभी कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो यहाँ पे लिफ्ट का पूरा कुछ भी नहीं हुआ, ये बाकी है, नीचे में फर्निशिंग बाकी है, मतलब तो फर्निशिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी कम से कम नीचे में बहुत ज़्यादा काम है, जिसमें 5 से 6 महीने लगेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ये लोग तो हर महीने बोलते हैं कि अगले महीने अगले महीने, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे बहुत पसंद है।
आ गए हम लोग। और मतलब मैं इतने दिन से गलत फहमी में थी कि उसमें सिर्फ मीटर का काम बाकी है, मीटर नहीं लगा हुआ है, बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके होंगे, बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके होंगे। लेकिन आज देख के लगा कि इसमें तो अभी कुछ नहीं तो 4 महीने लगने वाले हैं। अंकल जी बोल रहे बेटा मैं 25 तारीख तक आपको कैसे भी दे दूंगा, टेम्परेरी मीटर लगवा कर दे दूंगा, लेकिन वैसे घर में मैं खुद नहीं रहने जाऊंगी। मतलब आप लोगों ने देखा ना, वो वहाँ पे लिफ्ट के लिए इतना बड़ा सा वो खुला हुआ है, जिसमें मतलब बच्चों का सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है ना। मतलब मेरा बेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉटी है, नायरा तो, नायरा को मैं एक बार मना कर दूंगी ना कि नायरा यहाँ पे नहीं जाना है तो नहीं जाएगी, लेकिन बाबू के साथ ऐसा नहीं है। घर से बाहर निकलती ना ओवर एक्साइटेड हो जाता है, और खुदा ना खास्ता कभी वो दौड़ के उधर चला गया तब तो फिर तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती वैसे घर में रहने के लिए। घर पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा वो जो लिफ्ट का है एकदम सामने में ही खुला, उसे देख के मुझे भी डर लग रहा था। और स्टेयर जस्ट उसके बगल से ही है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरी सबसे बड़ी ये है कि नीचे का कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब ऊपर से इन लोगों ने कंप्लीट करा लिया है लेकिन नीचे से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और पार्किंग जो होती है वो इसमें है, बेसमेंट में पार्किंग है, पार्किंग अभी नहीं बनी हुई है। मतलब ना वो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे भी शायद घर बन रहा है या पता नहीं क्या बन रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बन क्या रहा है, क्योंकि उसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो मतलब कुछ नहीं तो 4 महीने तो एटलीस्ट 4 महीने लगेंगे ही, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। घर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी भी मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा है कि वो घर मुझे छोड़ना पड़ा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। हमारा जो जमशेदपुर का घर है ना एकदम सेम वैसा ही है, तो जब घर मुझे मिला ना तो मुझे ऐसा लगा ना कि चलो मतलब जैसा मेरा घर है वैसे घर मुझे मिल गया। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं है। तो वो अंकल जी ने तो बोला कि मतलब लास्ट फरवरी तक मैं कैसे भी आपको कंप्लीट करा कर दे दूंगा, बट मुझे पता है नहीं होने वाला है। मैंने इनको बोल दिया कि हम लोग घर ढूंढते हैं किसी भी कीमत पे, मतलब फरवरी के एंड तक कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा उस एरिया में, ना कहीं किसी और एरिया में। इधर तो हम घर के आसपास हम लोगों ने बहुत ढूंढा था, हमें कोई अच्छा घर मिला ही नहीं। तो अभी इधर तो मिलने से ही रहा, तो मैंने बोला उधर ही, मतलब जो हमारे ये घर के 2-3 किलोमीटर के अंदर में हो, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी देखना है, सब कुछ देखना है ना, तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो दुआ कीजिएगा 10-12 दिन में हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए और हम लोग शिफ्ट कर जाए मार्च के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी तो आधा पार हो चुका है, तो महीना जो होता है स्टार्टिंग से ही चलता है तो वो सही रहता है, तो ये बात है। खैर देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह मिल ही जाएगा, ढूंढने गएंगे तो, क्योंकि अब वही है करो और मरो वाला बात हो गया है हमारे लिए, तो अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि मुझे अच्छा सा घर मिल जाए, मतलब ऐसा घर मिले जिसमें अल्लाह अपनी रहमत और बरकत बनाए रखे, यही चाहिए ना। मतलब जो भी घर हो अल्लाह वहाँ पे खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, सब कुछ अच्छा रहे। किसी भी घर में जब हम लोग जाएँ तो मतलब सुकून रहे, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान को सुकून, तो सुकून रहे। ये घर हमारे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब ये नहीं होता ना तो हम लोग, मतलब हमारा तो चेंज करने का कोई ये नहीं था। स्टार्टिंग में मन बनाया था मेरे बच्चों के मतलब खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड वगैरह नहीं है, तो हमने सोचा था कि घर मतलब वहाँ लेंगे जहाँ पे आसपास पार्क हो, लेकिन फिर रहते रहते ना घर से लगाव हो गया था। अभी भी मुझे सोच के बहुत दुख हो रहा है कि घर छोड़ कर जाना है, लेकिन क्या करें मजबूरी है और अपना घर तो है नहीं। ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।